संग में सखा अति शोभित, शाम के संग में सखा, शाम के संग में सखा अति शोभित, शाम के संग में और श्याम के संग सखी करत के लो, श्याम के संग सखी करत के लो, हाँ श्याम के संग सखी करत के लो, भिक्षा के लिए जाते थे गांव में नगर में, और जिसके यहाँ जाते उसके बाहर जाकर के कीर्तन करते, भिक्षा की कामना करते, और जब घर का स्वामी आता भिक्षा लेकर के दाल आटा चावल आदि, चेतन महाप्रभु अपनी अंजलि पीछे कर लेते, बोले ये सब भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या भिक्षा चाहिए? बोले तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले 5 सदस्य। बोले सबको बुलाओ, सब आ जाते तो सबसे कहते एक एक बार हरि बोल बोल दो, ये भिक्षा हमको दे दो, तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल। और पांव पर के बोलते थे कि एक बार हरि बोल बोल दो, ये भिक्षा हमको दे दो। तो ये हरि बोल या भगवान नाम की भिक्षा, कभी अगर वैष्णवता आवे चित्त में, कथा सुनकर के भक्ति भाव प्रकट हो, निकल जाना कभी विदिशा में और घर घर जाके डोर बेल बजाना, जब अंदर से कोई बाहर आवे उससे कह देना भैया भिक्षा दो, क्या चाहिए? बोले एक बार हरि बोल बोल दो, एक बार श्री राधा बोल दो। हमारे अंकित जी कभी सब मंडली को लेकर के कभी प्रभात फेरी या किसी इस प्रकार का कुछ कीजिएगा, और विदिशा की गली गली में जाकर के सबसे बुलवाना, बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि, बोल राधे बोल राधे राधे राधे, बोल राधे बोल राधे राधे राधे, वृंदावन की गली I'm not afraid.
कृष्ण बोल, कृष्ण